सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। एक पुलिस बल के सदस्य को एक पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है। पुलिस बल में सबसे निचली रैंक को पुलिस कांस्टेबल के रूप में जाना जाता है। पुलिस अधिकारियों के पास अपराधियों को गिरफ्तार करने, अपराध को रोकने, जनता की सुरक्षा और मदद करने और सार्वजनिक व्यवस्था रखने के अधिकार हैं। पुलिस अधिकारियों की कानूनी रूप से अधिकृत शक्ति को वारंट कहा जाता है। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी। एक पुलिस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य कानून को लागू करना है। एक पुलिस अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सुनिश्चित करें कि लोग नियमों का पालन करते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। एक पुलिस अधिकारी आपको CRPC की धारा 91 के अनुसार किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने के लिए कह सकता है, हालांकि आप मना कर सकते हैं। उनके पास आपको गिरफ्तारी वारंट के बिना भी गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन CRPC की धारा 41, 42, 43 और 44 का पालन करना। पुलिस अधिकारियों के पास वह विशेष अधिकार होता है जो एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता है। एक पुलिस अधिकारी के विशेष अधिकार में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार शामिल हैं, जो सोचते हैं कि उन्होंने अपराध किया है, किसी व्यक्ति की खोज करने का अधिकार, कारों को रोकने का अधिकार और यातायात किसी व्यक्ति का नाम और पता पूछने का अधिकार, टिकट या जुर्माना देने या किसी व्यक्ति को अदालत में आने का अधिकार देने का अधिकार। इन शक्तियों के साथ पुलिस अधिकारी समाज पर नियंत्रण हासिल करते हैं। वकीलों की ड्यूटी। एक वकील एक व्यक्ति है जिसने कानून का अध्ययन किया है, व्यावहारिक कानूनी परीक्षण पूरा किया है और अपने राज्य या क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय में भर्ती कराया गया है। एक वकील जो कानूनी काम कर रहा है उसके पास एक मौजूदा अभ्यास प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसका बीमा होना चाहिए। कानूनी सेवा के आधार पर भारत में एक वकील या बैरिस्टर हो सकता है। एक वकील की भूमिका या कर्तव्य शुरू होता है जहां पुलिस की भूमिका समाप्त होती है। वकीलों की शक्ति ज्ञान है। वकीलों को देश के नियमों और कानूनों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। भारत में वकीलों को BCI की अनुमति है या किसी अभियुक्त की ओर से अदालत में पेश कर सकते हैं। वकील केवल अदालत से अनुमति दे सकता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी से एक दस्तावेज बनाने के लिए कह सकता है। अदालत वैध आधार पर अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकती है। एक वकील के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है। वह केवल अदालत में आपका बचाव करने और आपको उस गंदगी से बाहर निकालने की शक्ति रखता है जो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही लॉ की जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।